हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीवा की तरफ से आज मैं सभी के लिए लेके आई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसे हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम फंजाई, है ना। तो अभी तक हमने फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज डिस्कस कर लिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिडियोमाइसिटीज एंड द ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, देखो फंजाई के अंदर हमें पता है कौन सा ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सैपरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, इन्हीं को अब ये क्या करते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन में शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ही क्या था, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया था। दैट वाज द एस्कोमाइसिटीज और हमारा फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बीच में हमारा कौन आ जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज, है ना। जिसमें हमने देखा था जो हमारा फाइकोमाइसिटीज था उसमें वो सबसे प्रिमिटिव फंजाई को रखा गया है ना। जो हमारा फाइकोमाइसिटीज था उसके अंदर प्रिमिटिव फंजाई को रखा गया है, जिसमें यानी कि उनकी जो हाइफी थी वो क्या थी, आसेप्टेट थी, क्रॉसवॉल्स नहीं थी, है ना। और क्रॉसवॉल्स ना होने की वजह से दैट वाज द सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो कौन है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज इन तीनों चारों में कंपेयर करें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। अब देखो बेसिडियोमाइसिटीज को कॉमनली क्या बोला जाता है, क्लब फंजाई, दे कॉल्ड एज अ क्लब फंजाई, है ना। क्लब फंजाई को देख के हमें कौन याद आ रही है, मशरूम, है ना। तो फंजाई के अंदर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर कौन आ जाती है, मशरूम्स आ जाते हैं। और हमें पता है मशरूम्स कैसे होते हैं, ऐसे क्लब की फॉर्म में होते हैं ये, है ना। तो मशरूम्स आर द पार्ट ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द डिकेइंग सब्सटेंस। जो भी हमारी वुडन लॉक्स होती है, जो भी लकड़ियाँ वगैरह होती है, ठीक है, वो मॉइस्ट हो जाती है, डिके हो जाती है। तो उसमें कौन ग्रो हो जाता है, मशरूम्स ग्रो हो जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रो हो जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग होने वाली फंजाई ग्रो हो जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारे जो ये फंजाई है जो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं, ये प्लांट के अंदर डिजीज कर देते हैं कौन से, जैसे रस्ट और स्मट, है ना। कौन से डिजीज कॉज कर देते हैं, रस्ट और स्मट। ठीक है, जैसे कि ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा प्लांट है, जैसे वीट प्लांट की लीफ है ये, है ना, जिसमें येलो कलर के स्पॉट्स पड़ गए हैं। इसमें क्या पड़ गए, येलो कलर के स्पॉट्स आ गए। और ये येलो कलर के स्पॉट्स क्या है, ये रस्ट है ये। ठीक है, इसी डिजीज का नाम क्या है, रस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन आ गया, ये जो ब्लैक कलर के जो बॉल सी बन गई है, इसमें ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स आ गए हैं, ब्लैक कलर का जो बल्जी पार्ट हो गया, इस डिजीज को क्या बोलते हैं, स्मट को क्या बोलते हैं, स्मट। ठीक है, जो जनरली किसके अंदर देखा जाता है, कॉर्न्स के अंदर। ठीक है, तो कॉर्न का जो एक होता है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि इसके अंदर कौन सी डिजीज हो गई है, स्मट हो गई है। ऐसे वीट प्लांट की जो पत्ती है उसमें येलो कलर के स्पॉट्स हो गए, तो कौन सी डिजीज है, रस्ट है वो। ठीक है, जो किसके वजह से होती है, फंजाई के वजह से। दैट बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, अब देखो बेसिडियोमाइसिटीज की अगर हम माइसिलियम की बात करें तो इनका माइसिलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। बस फाइकोमाइसिटीज का असेप्टेट था, बाकी सबके कैसे होते हैं, सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, अब सेप्टेट होने की वजह से हमें पता है क्या होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे। सेप्टेट होने की वजह से क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, आसेक्सुअल स्पोर्स उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट ये, है ना। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होते हैं, आसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, ये तो हमें याद रखना है ये। ठीक है, कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या नहीं होते, आसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, नो आसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, इनमें आसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कैसे आसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन, है ना। इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, बट दे डू नॉट शो द आसेक्सुअल प्रोडक्शन बाय द स्पोर्स। इनके पास आसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, है ना। अभी जो बेसिक एग्जांपल कौन आ गए, उस्टिलागो। उस्टिलागो क्या करता है, स्मट करता है। और स्मट में हमें पता था क्या हो रहे थे, ब्लैक स्पॉट्स बन रहे थे ऑन द कॉर्न, है ना। भुट्टे के ऊपर ब्लैक कलर का स्पॉट आ गया, ब्लैक कलर का हो गया वो, बिकॉज ऑफ द उस्टिलागो। तो डिजीज का नाम क्या है, स्मट। ऐसी पक्सीनिया, पक्सीनिया ने क्या करा था, रस्ट डिजीज करी थी किसके अंदर, वीट के अंदर। गेहूं के पौधे की लीफ जो है वो येलो कलर की हो गई थी बिकॉज ऑफ द पक्सीनिया। ठीक है, अब देखो और भी क्या क्या आ जाता है इस बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी थी, इनके पास असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, है ना। और जो साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो शो करते हैं, पर सेक्सुअल प्रोडक्शन में भी इनके पास क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते। दे डू नॉट हैव अ सेक्सुअल ऑर्गन्स। सेक्सुअल ऑर्गन्स ना होने के वजह से, सेक्सुअल ऑर्गन्स ना होने के वजह से इनके पास गैमीट्स भी नहीं होते हैं, है ना। तो फिर ये कैसे सेक्सुअल प्रोडक्शन शो करेंगे, तो इनमें क्या होता है, नो सेक्सुअल ऑर्गन्स, नो गैमीट्स, सो दैट्स व्हाई इनमें जो दो हाइफी होती है। ठीक है, इनमें जो दो हाइफी होंगी, ठीक है, हाइफी 1 और हाइफी 2। तो ये दोनों के दोनों, ये हाइफी क्या कर जाती है, ये दोनों हाइफी फ्यूज कर जाती है। ठीक है, उनके पास जनरली सभी जो भी सेक्सुअल प्रोडक्शन शो करते हैं उनके पास सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, और सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट। फिर जाके आगे का प्रोसेस शुरू होता है। जबकि बेसिडियोमाइसिटीज के पास तो सेक्सुअल ऑर्गन्स ही नहीं है, गैमीट्स ही नहीं है, तो उनमें क्या होता है, दो टाइप का हाइफी आपस में फ्यूज कर जाएगा। टू हाइफी आर फ्यूज टुगेदर। ठीक है, जब दो हाइफी आपस में फ्यूज करेगा तो उससे क्या होगा, डाई कैरियन हाइफी बन जाएगा, है ना। इट विल फॉर्म्स द डाई कैरियन हाइफी। और डाई कैरियन हाइफी मतलब क्या है, इसकी हर एक पार्ट के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। डाई कैरियन हाइफी विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो डाई कैरियन हाइफी बन गया। ठीक है, डाई कैरियन हाइफी बनने के बाद क्या होगा, अब जैसे ही डाई कैरियन हाइफी बनेगा तो इस डाई कैरियन हाइफी से क्या होगा, इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, और ये डाई कैरियन हाइफी आगे जाके क्या बनाएगा, नया माइसिलियम बनाएगा, और उसी माइसिलियम के ऊपर कौन डेवलप हो जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा इलाबोरेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले कौन आ गया हमारे यहाँ पे, दो हाइफी आ गए, हाइफी 1 और हाइफी 2। दोनों के अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, सेप्टेट है ये। तो इसमें हाइफी क्या हो गए, फ्यूज टुगेदर, हाइफी आपस में फ्यूज हो गए। और जब दो हाइफी आपस में फ्यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, डाई कैरियन हाइफी बनेगा। यानी कि हर एक पार्ट में कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, दो न्यूक्लियस, डाई कैरियन हाइफी बन गया। डाई कैरियन हाइफी फॉर्म, यानी कि इनकी प्लॉइडी क्या हो गई है, 2n हो गई है। ठीक है, तो डाई कैरियन हाइफी बना। अब डाई कैरियन हाइफी के अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगी, और इट विल लीड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू माइसिलियम। नया माइसिलियम फॉर्म्ड होगा, और इस माइसिलियम के ऊपर कौन होगी, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, इस माइसिलियम के ऊपर कौन होगी, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर डेवलप करेगी। ठीक है, तो ये माइसिलियम आ गया। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, और इन स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, बेसिडियम। एक को बोलेंगे बेसिडियम और उससे ज़्यादा को बोला जाएगा बेसिडिया। ठीक है, तो बेसिडिया फॉर्म्ड हो गए, बेसिडियम फॉर्म्ड हो गए, और इन बेसिडियम के अंदर भी कैसी सेल्स है, डाइकैरियोन की है ये। यानी कि हर एक उसके अंदर, यानी कि हर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे। यानी कि बेसिडियम भी कैसा है, डाइकैरियोन है, डाइकैरियोन है, इनके इसके बाद दो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो डाइकैरियोन हाइफी से जो हमारा नया क्या बना है, नया फ्रूटिंग बॉडी बना है, वो भी कैसा है, डाइकैरियोन है। ये भी हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो स्टॉक यहाँ पे बनती है, स्टॉक को क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से एक अलग चीज यहाँ पर होती है। अब ये जो यहाँ पे हमारे कौन है, बेसिडियम है। इस बेसिडियम की हर एक सेल कैसी, डाइकैरियोन है, दो न्यूक्लियस है। अब इस बेसिडियम के अंदर ही क्या होगा, कैरियोगैमी होगा, न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो इनसाइड बेसिडियम, इनसाइड बेसिडियम न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस कौन से, टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर। दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो है बेसिडियम के अंदर फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करने के वजह से वो क्या बनेगा, फ्यूज करने के वजह से बनेगा जाइगोट, जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो जाइगोट कहाँ बना है, इन बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, और दो न्यूक्लियस के फ्यूज करने की वजह से इसमें क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, फिर जाइगोट के अंदर क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है। ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है, बेसिडियम के अंदर ही हो रही है, इस पार्ट के अंदर ही हो रही है। ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करें, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करने की वजह से क्या हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, अब जाइगोट के अंदर होगा मियोसिस, तो जाइगोट के अंदर होगा मियोसिस, मियोसिस इन जाइगोट। तो जैसे ही जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, यानी कि एक जाइगोट कितने पार्ट से डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट से डिवाइड हो जाएगा, और जिसके वजह से क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जाइगोट के अंदर मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने की वजह से क्या फॉर्म्ड हो गए, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड स्पोर्स, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स भी किससे बने? इन बैसिडियम में बने ये, ठीक है। फिर हमें पता आगे का क्या होगा। फिर जैसे ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, एज ई स्पोर्स जर्मिनेट, जैसे ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे अंडर द फेवरेबल कंडीशन गिव राइज द न्यू हाइफी, नया हाइफी और नया माइसिलियम बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनके पास स्पेशल सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते, तो इनके हाइफी से ही क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। तो दो हाइफी आपस में फ्यूज करें और जिससे क्या बना, डाइकैरियोन हाइफी बना, जिसके हर एक पार्ट में दो न्यूक्लियस थे। फिर इनके इनसे भी क्या डेवलप हुआ, फ्लोटिंग बॉडी डेवलप हुई, और फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर कौन स्पेशल स्ट्रक्चर आए, बेसिडियम आए, है ना। बेसिडियम के अंदर भी क्या था, दो न्यूक्लियस थे। तो बेसिडियम के अंदर होगा क्या, न्यूक्लियस का फ्यूजन इनके कैरियोगेमी। आफ्टर दैट बेसिडियम के अंदर क्या बना, जायगॉट बना। फिर जायगॉट के अंदर मियोसिस होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे बेसिडियम के अंदर। फिर एज दे कम आउट जर्मिनेट टू गिव राइज द न्यू माइसिलियम और द हाइफी, क्लियर ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल प्रोडक्शन अकर इन द बेसिडियोमाइसेटी, ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन आ जाता है हमारे एग्जाम्पल्स आगे। तो बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर इज ऑल अबाउट द मशरूम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिडियोमाइसेटीज, ठीक है। जिसमें सबसे पहले कौन आ गए, टोडस्टूल आ गए, ठीक है। कौन आ गए, टोडस्टूल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब ये जो टोडस्टूल होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द पॉइजनस, ये पॉइजनस है ये, ठीक है। दे आर नॉट एडिबल, हम नहीं खा सकते ऐसे। एगेरिकस ये नॉर्मल हमारे कौन हो गए, मशरूम्स हो गए। और ये मशरूम्स हमें पता है ये क्या होते हैं, ये तो एडिबल होते हैं, इनको हम खा सकते हैं, दे आर एडिबल, ठीक है। इसके बाद पफ बॉल्स आ गए, है ना। और उस्टिलैगो और पक्सीनी हमने आगे देखा ही था, है ना। उस्टिलैगो क्या करता है, इट विल कॉज द स्मट, इसके वजह से स्मट डिजीज हो रही थी प्लांट के अंदर, इन कॉर्न, ठीक है, भुट्टे के अंदर कौन सी डिजीज हो रही थी, स्मट, विच इज डन बाय द उस्टिलैगो, ठीक है। ऐसी पक्सीनिया, पक्सीनिया ये कौन सा डिजीज कर रहा था, रस्ट, रस्ट डिजीज कर रहा था किसके अंदर, वीट प्लांट के अंदर, गेहूं के पौधे की पत्तियां खराब हो रही है बिकॉज ऑफ दिस पक्सीनिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिडियोमाइसेटीज, सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो बेसिडियोमाइसेटीज के बाद हमारा जो नेक्स्ट फंजाई आ जाता है वो कौन सा, हमारा ड्यूटेरोमाइसेटीज, ठीक है, विच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसेटीज अब क्या शो नहीं करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो ड्यूटेरोमाइसेटीज अगर हम देखें, हम तो ड्यूटेरोमाइसेटीज को क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई। पेपर में क्वेश्चन आता ही है कि आपको 4 फंजाई दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि इनमें से इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी है, तो हम बोलेंगे ड्यूटेरोमाइसेटीज। व्हाई इट इज इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज ऑफ नो सेक्सुअल प्रोडक्शन, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय द असेक्सुअल स्पोर्स, और असेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, कोनिडिया, जो हमें पता है कैसे अराइज होते हैं, कोनिडिया चेन की फॉर्म में अराइज होते हैं, वो भी एक्सोजिनसली, वो भी एक्सोजिनसली, यानी कि बाहर की तरफ। जैसे ये चेन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये कोनिडिया बर्स्ट हो जाते हैं एंड गिव राइज द न्यू हाइफी, है ना। जैसे अगर हम देखें तो ये हाइफी है और हाइफी के ऊपर कौन आ गए, चेन की फॉर्म में ये कोनिडिया आ गए, चेन की फॉर्म में कौन आ गए, कोनिडिया। फिर जैसे ही ये चेन ऑफ कोनिडिया बर्स्ट हो जाती है, चेन ऑफ कोनिडिया बर्स्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, नया हाइफी अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ड्यूटेरोमाइसेटी, जो कॉमनली किसके थ्रू हो रहा है, बाय कोनिडिया, ठीक है। और यही कोनिडिया वाला और किस में हो रहा था, एस्कोमाइसिटीज में भी हो रहा था, है ना। एस्कोमाइसिटीज में भी जो ये फंजाई है वो असेक्सुअली ग्रो कर रहे थे बाय द कोनिडिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये भी कैसे है, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है ना। और ये क्या करते हैं, वो जो भी हमारा लिटर होता है, जो भी वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और मिनरल्स को रिसाइकल करने में, मिनरल्स को साइकिल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन आ जाता है, ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। और ट्राइकोडर्मा जो ये क्या करता है, फंगल डिजीज करता है हम ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है। फंगल डिजीज हो जाती है, फंगल डिजीज में कौन सी, जैसे रिंगवॉर्म, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा जो है ये रिंगवॉर्म करता है इन द ह्यूमंस, इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये कौन हो गया हमारा, ये ऑल्टरनेरिया हो गया, ट्राइकोडर्मा, और ये लास्ट में कौन आ गया, कलेक्टोट्राइकम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंजाई, ठीक है। तुमने फंजाई का सारा डिस्कस कर लिया है है ना, जिसमें हमने क्या देखा था कि ये जो फंजाई है दे आर द सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकिंग मैटर को फीड करती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। दे आर द मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। और तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो करता है, असेक्सुअल भी होता है, इनमें सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस के थ्रू हो सकता है? बाय द फ्रेगमेंटेशन, बाय फिजन और बाय द स्पोर्स, है ना। स्पोर्स वाला हमने देखा था दैट वाज एब्सेंट इन द बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, है ना। और सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन मेजोरिटी फंजाई के अंदर होती है, बट इट इज एब्सेंट इन द ड्यूटेरोमाइसिटी, ठीक है। तो आपका फंजाई टॉपिक कंप्लीट हो गया, होप सो समझ में आया होगा।